Hey viewers, hope you all are doing absolutely great. और अभी हम लोग हैं कतारगाम में, अभी बज रहे हैं 10, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और आज हम लोग जाने वाले हैं याहू एडवेंचर पार्क करके एक जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है ऐसा मैंने रिव्यूज में भी देखा था गूगल के और ओम भाई भी अपने बता रहे थे। हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं और वो शायद उल्पाड़ में है और अभी हम लोग है कतारगाम में। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे अपने ओम भाई को, फिर वहां से चलते हैं आगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आज वैसे रक्षाबंधन है तो सभी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को उनको हैप्पी रक्षाबंधन। क्या हूँ भाई, हो गए वो तैयार? हो गए तैयार हम लोग। और कहाँ पर जाना है? अभी हम जाते हैं याहू एडवेंचर पार्क ओलपाड़। ओलपाड़ ना, तो बात हो गई है क्या? बात हो गई है। बात हो गई है तो ठीक है, चलिए चलते हैं। और दोस्तों आज रक्षाबंधन के दिन सूरत में बहुत ही ट्रैफिक है, हालांकि मैं कल शाम को भी शूट करके वापिस आ रहा था तब भी बहुत ही ट्रैफिक थी, तो ध्यान से चलाइएगा गाड़ी वाड़ी जो भी है। और मैं तो बोलता हूँ घर से कम ही बाहर निकलिएगा। दोस्तों अभी हम लोग है ये जहांगीरपुरा वाले ब्रिज के ऊपर और अब मुंबई कहाँ पर जाना है? यहाँ से ओलपाड़ी आ जाएगा ना? आ जाए, आगे से यूटर्न लेना पड़ेगा ब्रिज उतरने के बाद। अच्छा ठीक है, फिर वो इस्कॉन मंदिर वाले रोड से डायरेक्ट ओलपाड़ की ओर जाएंगे ना? ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी हम लोग है ओलपाड़ वाले रोड के ऊपर और जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तब बीच में एक सेफी डेयरी करके आती है, तो अगर आप लोगों को टाइम हो तो आप लोग वहाँ पर रुक सकते हो और वहाँ पर लस्सी और वो सब बढ़िया मिलता है ना। और ओम भाई क्या क्या मिलता है उधर? लस्सी मिलता है, कोको मिलता है, कोल्ड कोको उसका बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा है उसका। सब कुछ अच्छा है था? लस्सी मिलता है, कोको मिलता है, मसाला छाछ मिलती है। अच्छा ऐसा सब है, तो कोई बात नहीं, चले उधर जाके मैं दिखाता हूँ। मैंने भी उधर ट्राई की हुई है लस्सी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले रोड के ऊपर ही आती है जो रजवाड़ी नमकीन करके पहले एक दुकान आएगी। हाँ ये देखो, उसके बगल में, उसके एग्जैक्ट बगल में आता है ये सेफी डेयरी। तो अगर आप लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास टाइम हो थोड़ा बहुत, आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये रहा उसका थोड़ा बहुत मेन्यू, आप लोग क्रॉस करके भी देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया चीज देखते हैं। ये पहलेंगे कोको है ना, तो ये है सेफी डेयरी। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो जरूर एक बार ट्राई करना।
जैसे कि मैं और ओम भाई दोनों पहुंच गए हैं यहाँ पर। और आप कहाँ पर जाने हो? ठीक है चले, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है यहाँ पर, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है। और ये देखिए, अब मेरे को उधर से कूद के जाना पड़ेगा। रुकिए ओम भाई, अभी इधर से जाना पड़ेगा। ये अपने अरुण भाई और यही यहाँ पर सब कुछ संभालते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या रेट रहता है? हमारा यहाँ पे आओ एडवेंचर का रेट रहता है 1000 रुपए पर पर्सन, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच हाइटिंग और मिनी डिनर। ओके। टाइमिंग रहता है मॉर्निंग में 10 to 6 PM का। इसमें इंक्लूडिंग एडवेंचर एक्टिविटी का 25 रोप कोर्सेज है अपने पास, जिसमें से हाई रोप कोर्स, मिड रोप कोर्स, लो रोप कोर्स। अच्छा। टोटल 25 एक्टिविटी रोप कोर्सेज में आर्चरी है, शूटिंग रेंज है, नेट क्रिकेट है। अच्छा। और स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। ओके, तो चलिए दिखाते हैं सब लोगों क्या है क्या नहीं है ना। और ये पूरा वेटिंग लॉन्च है यहाँ पर। ये वेटिंग लॉन्च है आपका। हाँ। ये जो आप लोग देख रहे हो ये प्ले जोन है। हाँ। चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन, हाँ, प्ले जोन, चिल्ड्रन प्ले जोन। छोटा सा एक केज वेज लगा के बनाया हुआ है बर्ड्स का। यहाँ पर गेम जोन भी है। हाँ हाँ हाँ, स्नूकर है और फुटबॉल आएगा, कैरम आएगा, कटन आएगा, पूल टेबल आएगा, पूल टेबल आएगा। पर सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। हाँ, ये टोटल कितनी है? 25 रोप कोर्स रहेंगे इसमें। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आपका आधा दिन तो यही सारी चीजें करने में चला जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा कि गेम्स का है, फिर यहाँ पर ये एक्टिविटी आप करोगे यहाँ पे इसमें एडवेंचर रोप कोर्सेज में। हाँ। तो 2 to 3 hours निकलता है। हाँ हाँ। और आउटडोर गेम में हमारा डीजे और एंकर इंक्लूडिंग रहता है। हाँ। 35% होते हैं तो हम डीजे और एंकर बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा जैसे कि भाई ने बोला, ये अपना पार्टी लोन ही आप लोग देख रहे हो, ये पार्टी लोन रहेगा। हाँ हाँ, पार्टी लोन भी है। हाँ जी, सही है। और अब स्विमिंग पूल भी है। बहुत ही बढ़िया जगह मेरे को तो लगी यहाँ पर आके, कि आप लोग मतलब वन डे का कुछ कर सकते हो यहाँ पर आके। वन डे पिकनिक हो, वन डे छोटा सा कुछ हो आपका इवेंट, तो वो भी आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो यहाँ पर। और ज़्यादा लोग आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अकेले तो हम दोनों आए, क्या भाई मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। भाई को तो फिर भी मज़ा आ रहा है, पर मेरे को इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग होते तो ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे जाकिर भाई ने भी बोला है, मज़े किसी जगह से नहीं आते, मज़े तो लोगों से आते हैं। तो हाँ, यही रहता है ऐसी सब जगह पर अगर आप लोग घूम रहे हो तो। तो दोस्तों, स्विमिंग पूल भी है और कॉटेजेस भी मुझे शायद लग रहे हैं अरुण भाई। हाँ, इसमें कॉटेज अपने पास टोटल 8 rooms है। हाँ, एसी रूम आएगा। अच्छा। और उसका क्या चार्जेस है? चार्जेस रहता है अपना डे का 1500 rupees पर रूम का। हाँ, नाइट का रहेगा 2500 rupees पर रूम का। नाइट का उसमें इंक्लूडिंग सिर्फ रूम आएगा, फूड नहीं इंक्लूडिंग आता है। अच्छा, ओनली फॉर रूम। ओके ओके। बारिश बहुत ही बढ़ चुकी है ना अंदर, देख रहे हो। बारिश में आने का भी इधर मज़ा ही आएगा, पर वो एक फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप लोग एक्टिविटीज़ फिर नहीं कर पाओगे उतनी, पर हाँ, यहाँ पर रहने का आपको मज़ा आएगा।
अच्छी खासी बारिश हो रही है। का एड्रेस क्या है? एड्रेस ये आपका रहेगा ओल्ड पाल हसोड रोड। हाँ कौन है जी? अच्छा, और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर रहेगा 777-90-55-777। ओके, तो चले मिलते हैं। ओके सर, और थैंक यू। ओके दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बारिश बहुत ही बढ़ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भीग भीग गए हैं पूरे। और बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब आज तो रक्षाबंधन है तो सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फ्री हो, आपका कोई भी फ्रेंड्स हो, सर्कल हो, कुछ भी छोटा मोटा ग्रुप हो, तो आप यहाँ पर आके मस्त एकदम ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। अभी गाड़ी तक तो ऐसे भीगते ही जाना पड़ेगा, है ना ऊपर। देखिए अभी, और अभी बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो ये लोग थोड़ा बहुत रिनोवेट कर रहे हैं। और गाड़ी का पार्किंग बाहर की साइड है, तो आप लोग वहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी मस्त बड़े एकदम पार्क कर सकते हो। तो ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और बाकी तो प्राइजेस वाइजेस वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूँगा, तो आप जाकर उनकी साइट भी थोड़ी बहुत ऐसे विजिट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, आपको सारा तामझाम उधर मिल जाएगा। तो अभी दोनों भाई आ गए हैं भीगते भागते, है ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत, और ये वाला है ओलपाड़ से थोड़ा आगे है, तो आप लोग अगर आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अभी क्या करना है उधर, अभी चलते हैं कुछ खाना खा के फिर सूरत चलते हैं ना। खाना खा के यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स का भी है, वो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पर। तो चलते हैं सूरत, और यही था आज का वीडियो। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। टिल देन स्टे ट्यून, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।